कॉस्ट्यूम्स बहुत कम हमें मौका मिलता है पहनने के लिए, बहुत खास ओकेजन्स में, स्पेशली इन इंडिया. आई थिंक फॉर वेडिंग्स एंड यू नो फेस्टिवल्स वी यूज़ ऑल आर यू नो इंडियन गारमेंट्स. और बहुत सारे हमारे इंडियन डिज़ाइनर्स हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट काम करते हैं, तो उनमें से चूज़ कर पाना बहुत मुश्किल है. बट हमारे फ्रेंड्स हैं सारे, तो गगन उनमें से एक है, क्योंकि अनारकलीज मुझे बहुत पसंद है. मैं आज पहन के आई हूँ एक, उनके घाघरास मुझे बहुत पसंद है. स्पेशली आई लाइक द कलर्स ही लाइक्स, फ्लोरेसेंट कलर्स, ब्राइट हैप्पी कलर्स, और बहुत ही यंग लगता है. क्योंकि बहुत सारे लड़कियाँ सोचते हैं कि इंडियन पहनूंगी तो बहुत ओल्ड दिखूंगी, ओल्ड फैशन दिखूंगी. सो आई थिंक टुडेज डिज़ाइनर्स, दैट्स वाई दे चूज वेरी ब्यूटिफुल हैप्पी कलर्स. और इनको मैं बहुत दिन से जानती हूँ, तो वो एक कंफर्ट लेवल भी है, इनको पता है कि मुझे क्या पसंद है. सो इट बिकम्स ईजी टू वर्क विद समवन लाइक हिम. तो इसलिए उनके इनॉग्रेशन के लिए आज आई हूँ. आई एम वेरी हैप्पी कि वो सोलो जा रहे हैं अभी. आई थिंक हर कोई अपना स्टाइल में वो कंफर्टेबल रहते हैं, वो एक्टर्स हो, वो स्पोर्ट्समैन हो, वो पॉलिटिशियंस हो, जो भी हो. आई थिंक वो खुद का स्टाइल पहले देखते हैं कि वो किस चीज़ के साथ, कैसे आउटफिट के साथ खुद कंफर्टेबल है. मुझे, मैं वेस्टर्न के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और मुझे स्पोर्टी आउटफिट्स, मुझे गाउन्स और ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसके साथ आपको बहुत कम मेकअप, हेयर, ज्वेलरी, ये सब लेके इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती, इतना एक्सेसराइज करने की ज़रूरत नहीं होती. बट इंडियन लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी. और मुझे लगता है कि जितने सारे हमारे ब्यूटी पैजेंट्स भी होते हैं, मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, हमेशा इंडियन गर्ल को एक अलग तरह वो दिखती हैं जब इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, बिकॉज ऑफ आर कॉस्ट्यूम्स.